तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये जितने भी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम लोग सुनते हैं, लोग उसे मिथ कहते हैं, बट मैं तो हमेशा सच्चाई मानता हूँ, आपका कौन सा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जो आपका फेवरेट है, मुझे आपको बड़ा अच्छा लगता है? सबको पता है श्री हनुमान जी। क्या बात है, उसके पीछे का रीजन क्या है? सबको पता है, बहुत कुछ सीखने को है, लॉट टू लर्न, मतलब रामायण के हीरो वही है, रामायण के असली हीरो तो श्री हनुमान जी हैं, तो हाँ वो उनसे बहुत कुछ सीखने को है। आप अगर रामायण पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पूरे रामायण उनके इर्द गिर्द नाच रही है, एक्चुअली सब कुछ उनके इर्द गिर्द हो रहा है, सबको अच्छा लगता है, अपनी जो जड़ें हैं, हर आदमी जुड़ना चाहता है, उसको रास्ता चाहिए कि कोई ना कोई जोड़ दे उनको, और हम इन चीज़ों से कनेक्टेड हैं एक्चुअली। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यूथ को स्पेशली हनुमान जी से ऐसी कौन सी तीन चीज़ें जो सीखनी चाहिए? तो सबसे पहला तो हनुमान जी से जो सीखना चाहिए वो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है वो ग्रेटिट्यूड। तो इतना है कि हमारे जो फील्ड है, जिस फील्ड में अभी हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हैं, या कुछ लोग कॉरपोरेट ट्रेनिंग में हैं, या कुछ सेल्स में अच्छा कर रहे हैं, उन सबको एक ही बात लेके जानी चाहिए कि उन्होंने कभी भी अपने पूरे लाइफ स्पैन के अंदर, या जब तक हम उनको समझते हैं और जानते हैं, कभी मैं शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, कभी ये कहा ही नहीं कि ये मैंने कर दिया है। लेकिन उनके अगर आप पूरा करेक्टर उठा के देख लें, आरंभ से अंत तक जब रामायण चलती है तब तक, तो उन्होंने मैं का इस्तेमाल कभी किया ही, इन्होंने क्रेडिट दे दिया हमेशा भगवान राम को कि जो कुछ भी हुआ है वो इन्हीं की वजह से हुआ है, मैं तो कुछ नहीं करता, नंबर वन। नंबर टू, उनके करेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है वो इम्पॉसिबल कभी नहीं बोलते, मतलब उनको जो भी टास्क दिया जाता है ना, मतलब यूथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी टास्क दिया जाता है, इफ बट है ही नहीं, हो सकता है, कौन करेगा, मैं करूँगा, मतलब वो ये नहीं बोलते यार ये कैसे होगा, इतना बड़ा काम कैसे होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है यार, कैसे होगा, नहीं हो सकता, नो नेवर, इम्पॉसिबल उनकी डिक्शनरी का हिस्सा ही नहीं, और करने के बाद भी क्रेडिट खुद नहीं लिया, क्यों कर दिया, अरे उनकी कृपा थी तो कर दिया हमने, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सीखने के लिए। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उनकी ये है कि हनुमान जी ने भी इतने ज्ञानी होने के बावजूद अपने गुरु जरूर बनाए। एक आदमी से मैं मिलता था तो मैं उससे पूछता था कि भाई सबने गुरु बनाए, भगवान कृष्ण ने गुरु बनाए, सांदीपनि ऋषि उनके गुरु हैं, भगवान राम ने गुरु बनाए, विश्वामित्र जी उनके गुरु हैं, हनुमान जी ने गुरु बनाए, सूर्य भगवान उनके गुरु हैं। तो मैंने एक आदमी से पूछा भाई तुमने गुरु नहीं बनाया, तो उन्होंने बोला मुझे कोई मिला ही नहीं। तो मैंने बोला यार ये तो अहंकार है, तो उसने पूछा अहंकार कैसे है, मैंने कहा तुझे एक भी आदमी नहीं मिला इस संसार में जो तुझसे ज़्यादा जानता हो, भाई ये कैसे हो सकता है कि तुझे एक भी आदमी नहीं मिला जो तुझसे अधिक जानता है, तो ये तो अहंकार ही है ना। जब भगवान कृष्ण को ज़रूरत है गुरु की, राम को ज़रूरत है गुरु की, हनुमान जी को ज़रूरत है, तो आप और हम कौन खेत की मूली हैं। तो उनकी तीसरी लर्निंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ, इवन अ जीनियस नीड अ कोच। सचिन तेंदुलकर को भी मेंटरिंग की जरूरत है, विराट कोहली को भी जरूरत है, तो आप कौन है भाई साहब? और जिनको लगता है कि वो बिना गुरु के कर सकते हैं तो कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ आप 10 दिन में कर सकते हैं उसको करने में हो सकता है आपको 10 साल लग जाए बिना उनके। गूगल मैप है अगर आपके पास तो आप, जरूरत है आपको पान वाले से रास्ता पूछने कि भाई आप दाएं मुड़ूं कि बाएं मुड़ूं, जब तक नहीं था तो कर नहीं रहते, अब गूगल मैप है तो डालिए ना, वो बता देगा आपको, टाइम सेविंग प्रोसेस। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ, कोई भी एक बनाइए। और एक बात और ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा मेंटर भी नहीं होने चाहिए, दो तरह के लोग ज़िंदगी में बर्बाद हो जाते हैं, सुन लो सारी मेरी बात जो लोग मुझे सुन रहे हैं। बात नंबर एक, पहला जो किसी की नहीं सुनते वो बर्बाद होते हैं, दूसरा जो बहुत लोगों की सुनते हैं वही बर्बाद हो जाते हैं।